सभी साथी जुड़ जाएं। सभी लोग जुड़ जाएं। नमस्कार भाई, नमस्ते बिरन भैया, जीशान भाई, मनोज पाल भाई, प्रमोद पटेल भाई, नवनीत, देखिए अभी सचिन पटेल भाई देखिए, ये सब बातें छोड़िए, मैं थोड़ा सा धैर्य रखिए। सभी लोग जुड़ जाएं तुरंत, तो अपनी बात रखूं मैं। संदीप भाई पहले मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए, इसके बाद जो जिसका सवाल होगा सब लूँगा मैं। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और लोग जुड़ जाएंगे, देखेंगे जीशान भाई। चलिए बात रखते हैं, जो भी साथी जुड़ रहे हैं जुड़ेंगे बाद में। देखिए कल का आपका मुकदमा लगा हुआ है, हम लोग ब्रीफिंग करने गए, मैं, नवनीत, सिर्फ एक वकील को, बहुत ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और कुछ लोग तो ऐसे थे कि मेरा गुणांक भी डाल करके सोशल मीडिया पर प्रदर्शित कर रहे हैं कि 65-67 जो रामदयाल का गुणांक है वहाँ तक के लोग सहयोग कर दें। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि वहां तक के लोग सहयोग क्यों करें, क्या जो बाकी लोग हैं उनकी लड़ाई नहीं है, वो ना सहयोग करें? आखिर आप लोग चाहते क्या हो? जब शुरुआत में अकाउंट जारी हुआ था तो इस बात को लेकर के जारी हुआ था कि जो भी होगा वो 68 के हित में होगा, लेकिन ये आज बातें बहुत सारी निकल के आ रही हैं कि कोई कह रहा है इतनी सीटें आ रही हैं, कोई कह रहा है उतनी सीटें आ रही हैं। आज लो वाला बेचारा कम परेशान मुझे दिख रहा है जितना हाई वाले परेशान दिख रहे हैं, आखिर क्यों? कब तक लोगों को गुमराह करोगे? और ये बोला जा रहा है कि 4800 सीटें आ रही हैं, सीओर आ रही हैं, उनको बचाना है कल बचाना। मैं एक बात पूछता हूं,
लाइव आकर ये क्यों बोला जाता है कि वो किसी तरह उपेंद्र नाथ मिश्रा को फुल पेड कर दीजिए, ठीक है फुल पेड हो जाएंगे, वो एटीआरई पे बहस करेंगे, कान खोल के सुन लो। जो लोग कहते हैं कि कल हमारा जो 3 महीने की मेहनत है वो सब बर्बाद हो जाएगी, उनके लिए सुन लें, अकाउंट मेरा, नवनीत का और रमा दीदी का है, हम लोग जो चाहेंगे वो करेंगे। बाकी लोग कहते हैं कि 3 महीने की मेरी मेहनत है और बर्बाद ना होने पाए, क्या हम लोग इतने दिन से 4 साल से मेहनत कर रहे हैं तो इस वजह से कर रहे हैं कि आपकी 3 महीने की मेहनत ना बर्बाद हो? बाकी लोग क्या 800 जितने बेवकूफ हैं क्या? रामदयाल ने, नवनीत ने, रमा ने किया है दोनों वकीलों को, बाकी उस वकीलों पर किसी का अधिकार नहीं है। जो जिसकी बोलते हैं, आज तक कुछ लोग बोलते थे कि आज तक हमें वकीलों की आवश्यकता नहीं है, जितने पैसा आ गए हैं उतने पे ही वकीलों को काम चलाया जाए। आज ऐसी कौन सी मुसीबत आके पड़ गई कि आप बोलते हो कि कल हमारा सब सत्यानाश हो जाएगा? आखिर क्यों? मैं अपने बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को उकसाते क्यों हैं? आप पीछे बात क्यों करते हैं? आप तो बोल रहे थे हम पूरे 800 को लेकर चलेंगे, लेकिन आज ये रवैया कहाँ से आया? किससे पूछ के कहा गया है कि वहाँ रंजीत लोगों को सौंप दिया जाए, यूएन मिश्रा को वहाँ ब्रीफ करने जाएंगे? क्या मैं आज ब्रीफ करने गया था, मैं नवनीत क्या रामा दीदी से नहीं पूछा गया? वहीं पहुँच के फ़ोन लगाया गया कि दीदी आएंगी, दीदी दोपहर में गई, तब भी दीदी को मैंने बोला हाँ ठीक है आप चलेंगी। लेकिन अपने आप तय कर लेना कि यूएन मिश्रा के पास ये जाएंगे वो जाएंगे तो ये गलत है। मेहनत हम भी किया है और करते आए हैं। बाकी मैं तो सोचता था कि अभी तक मैंने कहीं कुछ ऐसी बात ही नहीं किया जो बातें आज निकल के आ रही हैं। बोल रहे हैं कि रामदयाल, नवनीत और अमरेंद्र ये सब लोग उड़ांग के एकजुट हो गए हैं। आज तक तो मैंने ऐसी बात कही नहीं, लेकिन आज मजबूरी में मुझे कहना पड़ रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं उपेंद्र नाथ मिश्रा को हम लोग ये करके ले जाएंगे वो करके ले जाएंगे, तो हमने किया है, उनसे बोल भी देंगे कि जब तक हम लोगों ने, 3 लोगों ने पैसा दिया है आपको अकाउंट से दिया है, जो हम लोग कहेंगे 3 लोग मिलके वो आपको करना पड़ेगा। बाकी हर जगह से रामदयाल को टोल ना करो, हर जगह से रामदयाल को परेशान मत करो। रामदयाल भी अपना घर परिवार छोड़ के बैठा है, तो इसीलिए न बैठा है, और उपेंद्र नाथ मिश्रा को इसलिए नहीं किया गया है कि खाली वो रिविजिट पर बोलेंगे, हमने उनको ये तैयारी के लिए किया है। 10.5 लाख रुपया फूंका है, तो ये नहीं कि ये तैयारी आए बस उसमें करके चले जाए, बस उनका खेल खत्म। उनको सिर्फ ये तैयारी के लिए लाया, वो ये तैयारी की बहस करेंगे, अन्यथा उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। लोग समझते हैं कि रामदयाल बेवकूफ है, लेकिन रामदयाल बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ बनाना छोड़ दो, नौकरी है अपनी अपनी नौकरी ले लो, इसी तरह मिल जाए कि कैसे भी ये 800 आई है ये हम लोग जानते हैं। आज जो वही बंदा जो गाली देता था कि यार आरक्षण से ये कुछ नहीं होगा, ये धरना से कुछ नहीं होगा, और 800 लिस्ट आ गई उसमें नाम आ गया, तो आज वो कहता है कि मेरी 3 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ये तो गलत है ना? क्या रामदयाल मेहनत नहीं किया? क्या नवनीत मेहनत नहीं किया?
मैंने तो नहीं कहा कि मेरी 6 दिन की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, मेरी 1 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, लेकिन ऐसा क्यों करते हो? मेरे साथ रहकर मेरे साथ खेल खेलना बंद कर दीजिए। मैं इस वजह से सब लोगों का सहता रहा कि मेरी नौकरी फंसी है किसी तरह, ताकि पूरे 68 का भला हो सके, लेकिन तब भी लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करना और लोगों को कहना, और आज उनकी औकात कैसे हो गई? क्या ये कह कर लिया गया था कि रिविजिट करके निकल जाएंगे, वहां की बस खत्म? कब तक झूठ बोलोगे, कब तक झूठ बोलोगे? मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन अपने बड़े भाई मानता था, बड़ा भाई मानता था, आपका हाथ है। आज क्या हो सकता थी कि आप वहां पर मिलने गए, ये सारी सलाह की आपने, सलाह करने के बाद ये सारा तय हुआ? एक बार भी रामदयाल से पूछा आपने कि इनको हम वकील सौंपने जा रहे हैं? एक बार भी पूछना चाहिए, नवनीत से पूछना चाहिए, रामदयाल से पूछना चाहिए, रामा से पूछ लिए हो तो नहीं कहता। तो बताइए, मैंने अगर रामा को ना पूछा हो, नवनीत से फोन कराया वहीं सतीश चंद्र मिश्रा के आवाज से कि दीदी बोल रही थी उनको पूछ लो, भाई नौकरी सभी की फंसी है, कृपया करके लोगों को परेशान करना बंद कर दीजिए। जैसे आपकी नौकरी वैसे मेरी नौकरी, मैं अभी तक शांत हूं तो शांति का फायदा मत उठाइए। जो यही करना है तो वो भी देख लीजिए। लेकिन चाटुकारिता, लोगों को गुमराह करना, लोगों को पीठ पीछे करके खेलना, दूसरे से इधर उधर सो करना, ये बात छोड़ दीजिए। आज जितने मुझे एक बात में समझ में आता कि आज ऐसा क्या मीटिंग में हो गया, बोल रहे हैं कि ये हमारी लिस्ट जा रही है, बर्बाद हो जा रही है, ये हो जा रही है, रामदयाल ये हो गया, वो हो गया, इसके साथ हो गया, मैंने तो कभी ये नहीं कहा। आज आप लोग क्यों ऐसा बोल रहे हो? रामदयाल को उकसाव नहीं, नवलेश भाई नमस्कार। साथियों का सम्मान करता हूं, मान सम्मान करता हूं, मेरी नौकरी फंसी है, लेकिन एक बात है कि जैसे आप लोग कहते हो कि मेरी नौकरी से कोई खिलवाड़ करेगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वैसे मैं आप सभी को कह रहा हूं कि अगर मेरे नौकरी से कोई खिलवाड़ किया तो मुझसे भी बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि नौकरी से बढ़कर कुछ नहीं है, मेहनत की है, तपस्या किए हैं, इको गार्डन में मरे हैं तभी इतना सारा आया, लेकिन तब भी आज लोगों को लगता है निकल जाए। अरे वो तो कोर्ट जज तय करेगा ना कि किसको करना है, किसको नहीं करना है, क्या करना क्या नहीं करना, आगे बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना। लेकिन आज वो लोग कहते हैं ना कि रामदयाल के ऊपर बंदूक रख के कंधे पर चलाई गई है, तो ये बात सत है, आज निकल के आई, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था। मतलब अभी जो पैसे भेजे जा रहे हैं तुम कल पैसे ना दोगे, पैसा अगर आ जाएगा एटीआरई पे, मैंने उनको किया है, मैंने पैसा दिया है, पैसा तो आए एटीआरई पे, वो होंगे बहस करेंगे,
एटीआरई पे बहस नहीं करेंगे तो क्यों देंगे उनको? वो रिविजिट कराने के लिए अगर आए हों तो क्यों पैसे देंगे उनको? और सुन लीजिए, इतना लोगों को भड़का दिया गया, इतना कर दिया गया कि लोग बताइए सारा दोष मेरे ऊपर मढ़ रहे हैं, मुझे को बेवकूफ बना रहे हो। मेरा पूरा फोकस एटीआरई पे है, एटीआरई पे रहेगा। और जहां तक बेवकूफ बनाना था जितना बना लिया, लेकिन अब कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। बाकी उनकी 4.5 लाख फीस है, उनको जैसे हम तीनों लोग कहेंगे वैसे उनको करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा हम लोगों ने दिया है, हम जैसा कहेंगे वैसा वो करेंगे। हम कहेंगे उनके नहीं आना तो नहीं आएंगे, हम कहेंगे आना तो आएंगे। बाकी जो उड़ांग वालों ने किया इसको लोग उड़ांग वालों ने किया, ये कौन सी बात भाई? चलें तो आप एटीआरई किए हैं ना सब लोग, कितने लोगों ने सहयोग किया एटीआरई के लिए चैलेंज किया गया है। कोर्ट में क्या होता है, जज साहब क्या कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन इस चीज के लिए कि इतने लोग सहयोग कर दीजिए, 4800 लोग आ रहे हैं, 4800 लोग आकर के इस चीज में सहयोग कर दें, उनकी नौकरी लगने वाली है, तो ऐसा कहां तक होगा? अभी भी कहता हूं सब लोग एटीआरई पे बहस करा लीजिए, जिससे सबका भला हो सके। बाकी लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। क्योंकि रामदयाल इतना बेवकूफ नहीं है, बस कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि साथ में संघर्ष किए, सब कुछ झेले हैं, बस नौकरी से खिलवाड़ मत करना, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ये जान लेना, फिर मैं अपनी नौकरी भूल जाऊंगा कि मुझे नौकरी मिलना कि नहीं मिलना। क्योंकि नौकरी से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रमोद पटेल भाई सही कह रहे हो, लेकिन ये चीजें लिख के आज आ जाना कि जितने 4800 हो रहे हैं वो अगर पैसा नहीं दिए तो सारी चीज उनके सब बर्बाद हो जाएगा। क्या पूरे 800 के लिए नहीं दी गई थी? क्या रिविजिट के लिए दिए गई थी? आप लोग रिविजिट के लिए दिए थे सब लोग, पूरे 800 के एटीएलई के लिए दिए थे ना? बाकी उसको कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ये सोशल मीडिया पर हर जगह खबर फैलाना, इतने लोगों को दे रहा है, अगर इतने लोग नहीं करोगे, रामदयाल उधर लोगों को लेकर भाग गया, बता दे कोई, कोई भी बता दे, गंगा बता दे, विजय भाई बता दे कि मैंने अभी आज तक ऐसा किया है, लेकिन इतने नीचता तक लोग उतर आएंगे? सब लोगों ने पैसा दिया है, राजपूत प्रमोद जी सुधर जाओ अगर मेरे लिए बोल रहे हो तो, क्योंकि पैसा दिए हो मैं जानता हूं। अगर जज साहब कहेंगे कि जो चीजें हो रही उनको आगे बढ़ाइए तो मेरी औकात नहीं कि मैं उसको रोक लूंगा, जो सब लोग कह रहे हो। अगर जज साहब को लगेगा कि ये चीज आगे बढ़ना चाहिए जो चीजें हो रही हैं, तो वो होगा, नहीं लगेगा तो नहीं बढ़ेंगी। रामदयाल वहां खड़ा होकर बोल देगा कि ये नहीं होना चाहिए तो वो होगा, नहीं होगा। बाकी जहां पर राजपूत प्रमोद जी जहां बात पे उतर आए हो ना, आओ यहीं पर अभी।
मैंने ये नहीं कहा, मैंने उनसे बात नहीं किया क्या कि आप चलिए ब्रीफिंग में? लेकिन अरे जो भी करना है वो ऐसे करोगे, चैलेंज देकर करोगे? मैंने तो आज तक किसी को चैलेंज नहीं दिया। अरे एटीआरी लड़ लोगे तो क्या तुम लोगों को नुकसान हो जाएगा? मुझे ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हें आज नौकरी मिल रही, कल नौकरी मिलेगी, एक दिन तो नौकरी सबको मिलना है अगर एटीआरी डिसाइड हो गई। मैं ये नहीं कहता कि किसी की नौकरी जा रही है, मैं कौन होता हूँ नौकरी खाने वाला? फिर कहाँ गए वो? इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी भी रिक्वेस्ट है कि एटीआरई डिसाइड हो जाएगी तो संभवतः मुझे नहीं लगता कि किसी भी साथी का रुकेगा। लेकिन ये पूरा हवा उड़ा देना, रिविजिट होके आ रही है, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, हमारा वकील ये कर देगा वो कर देगा, ये सब काहे गुमराह कर रहे हो? क्यों लोगों को परेशान करना चाहते हो? क्यों रामदयाल को नीचा दिखाना चाहते हो? अरे तुम्हारी नौकरी है, जाइए जज साहब से कराइए। और जो कह रहे थे कि तुम्हारे बाप ने पैसा तुम्हें नहीं दिया, ठीक है तो कहीं जाके दूसरी जगह कर लेते। बाकी सब लोग अपने अपने औकात में रहो, ठीक है? अगर सरकार कुछ कर लेके नहीं आ रही है तो सबकी औकात निकल आएगी, सब उसी लाइन पे आ जाओगे। इसीलिए सभी से कहता हूँ एटीआरई डिसाइड कराइए कि कहीं ऐसा ना हो विभाग के चक्कर में पड़कर आगे चल के सबको रोना पड़े। बाकी सभी लोग समझदार हैं, कृपया करके सभी से अनुरोध है, चाहे वो मेरे बड़े हों चाहे छोटे भाई हों, अगर सभी लोग कहते हो कि रामदयाल ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, आज तक तो मैंने नहीं किया है, अब तो फिलहाल कल सुनवाई है, कल सुनवाई देख लो सभी लोग, सुनवाई देखने के बाद लाइव आएंगे। जनरल वाले टेट लेके आएंगे, सबकी तैयारी भाई, टेट लेकर आएंगे, सबकी तैयारी है, सबके लिए बोला गया, पता है कि क्या क्या मैटर वहाँ आ रहा है, सारी चीजों के लिए रही है। लिख रहा है भाई किसी को रोको मत। मैंने क्या कहा कि राम ये बताइए, जो जज करना चाहेगा, जो जज कहेगा वही तो होगा, कि रामदयाल के कहने से तुम रुक जाओगे? बोल रहे हो लेकिन मेरे खिलाफ इतना बड़का दिन, आज वो कैसे पता चल गया रणजीत यादव को कि रामदयाल नॉमिनी ब्रीफ करने गए थे, बाकी और कोई नहीं गया? क्यों मेरे खिलाफ हवा उड़ाई गई कि वो लोग उड़ा के दोनों लोग चले गए? दोपहर में रमा दीदी का फोन आया था, उन्होंने कहा था मुझे चलना, मैं कहा ठीक है दीदी। फिर जब जाने वहाँ जाने वाले थे वहाँ, तो फिर मैंने नवनीत को कहा कि नवनीत एक बार फोन करके पूछ लो दीदी से, बात हो गई, मना कर दिया। मैंने बताओ कहाँ गलती किया? बाकी चलिए कोर्ट कल है, सुनवाई होती है, उसमें देखेंगे, जज साहब सुनते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन इतना माहौल बना देना, 4800 मिल रहे हैं, 4500 मिल रहे हैं, 4200 मिल रही हैं, 4000 मिल रही हैं,
2000 में समझ से परे साला, आज तक तो मुझे डाटा ही पता ना चला कि कितने आ रही है। और जिनको लगता है कि ये तैयारी हम हार जाएंगे पहले से तय है, उन लोगों ने तो पूरा मूड बना के रख लिया है कि इस पे बात ही नहीं करना। अधिकारियों की बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। अधिकारी भी जान रहे हैं कि अगर ये तैयारी डिसाइड हो जाएगी तो हमने जो इतना बड़ा और बवाल किया है वो हमें ही झेलना है। एटीआरई हम लड़ेंगे, मेहनत की जरूरत है उस मेहनत को करेंगे और करके मेहनत यहीं से डबल बेंच से एटीआरई जीतेंगे और अपनी नौकरी लेंगे। लेकिन रामदयाल का गुड़ाक सो करके और सब चीजें बक देना, कह देना इतने तक हो रहा है, मेरे पास लोगों के फोन आ रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं लोग, अरे जो तुम्हें पैसा मंगाना मंगाइए, खूब मंगाइए, लेकिन कम से कम मेरा गुणा सो तो मत करो कि इतना हो रहा उतना हो रहा है। लिख के दे दो मुझे कि मेरा हो रहा है, कोई मेरा 65-67 हो रहा कि इतने तक, इतने के नीचे जितने सब लोग हैं उन सहयोग करें। क्या बाकी 800 के जो बचे हुए मर गए हैं वो नहीं करेंगे? उनके अपनी नौकरी की टेंशन नहीं है? उनको ये तैयारी नहीं बचाना है? जो सरकार चाहती है वो करना छोड़ दीजिए। अगर यही करना था तो पहले कर लेते। हाँ एक बात तो है कि रामदयाल धोखा खा गया है, अब आगे से धोखा खाएगा नहीं, अब सचेत हो गया है रामदयाल। कल की बहस देख लेते हैं, कल की बहस के बाद देखेंगे कि आप अपना देखिएगा। भैया बड़े भाई की बात कर रहा हूँ मैं, आप अपना देखिएगा, हम अपना देखेंगे। मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं अपनी लड़ाई लड़ लूँगा। लोग जो कहते थे कि आप उपेंद्रनाथ मिश्रा आपके अनुसार चलता है, वो आज बात बिल्कुल सत्य हो गई है कि वो आपके अनुसार चलता है, क्योंकि ब्रीफिंग में जाने के लिए आपने ही बोला था, हमने कोई चर्चा आपसे नहीं की थी कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ना हमने आपको मना किया था, सिर्फ आपने ही अपने से तय कर लिया था कि मैं ब्रीफिंग में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज आपने बिना हम लोगों को पूछे आपने उनको वकील सौंप देने की बात कही, ये मुझे बहुत बुरा लगा। एक बार आपको पूछना चाहिए था लेकिन नहीं पूछे। तो जब यही करना था तो आप अलग होकर काम करिए, हमें अलग रहने दीजिए। मैं तो आज तक बना था, आज तक साथ था कि कैसे भी नौकरी बच जाए, कैसे भी होगा, एटीआरई पे बहस करा करके एटीआरई जितवा देंगे तो हमारा भी भविष्य हो जाएगा। कैसे इस नौकरी को छीन करके और भी लोगों को भला हो सकता, कैसे 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 मेहनत करके इस 800 को लिस्ट को लेकर आए। आज जो सरकार सोचती है कि दो धड़ों में बंट करके लोग चले जाएं तो लोगों को हमारा काम फिनिश हो जाएगा, बाकी लोगों को हम निपटा देंगे, आज वही सोचा जा रहा है। अरे अगर मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारी नौकरी रोक रहा हूं, लेकिन अगर ये सोच के चलिए आप कि अगर 2-4 महीने अगर आप इतना इंतजार किए हो और डिसाइड होने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी तो इसमें बताइए आपके घर से क्या जाएगा। जैसे आप लोगों ने 3-4 महीने मेहनत की और जो 2-3 महीने कर लीजिए, डबल बेंच से जो होगा हारेंगे जीतेंगे यहीं से आदेश हो जाएगा नौकरी का। लेकिन फिर भी लोगों को इतना गुमराह कर दिया गया, इतना गुमराह कर दिया गया कि लोग आपस में बढ़ गए। और यही सरकार चाहती थी, अभी तक पूरा शुरुआत से तो यह तय हुआ था कि पूरी 800 एक भी सीटें नहीं जाएंगी। या तो जिनको लगता है कि एटीआरई नहीं बचेगी, हार जाएंगे, वो कर देंगे, वो कृपया करके सब लोग अपनी अपनी पिटीशन डाले हैं, अपने अपने वकील किए हैं, उनसे जो बुलवाना हो बुलवाइए, जिन वकीलों को हमने किया है वो हमारे हाल पे छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ेंगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ये समझ के चलना आप।
सब लोगों ने अपनी अपनी होकर के पिटीशन डाल के पैसा लिया है, सब लोगों ने बुलाया, सब अपना अपना वकील उतारिए, जिसको जो करना करिए। बाकी आज से मैं तय कर लिया हूं कि रामदयाल एटीआरई की लड़ाई लड़ेगा। लोग अगर उसका सहयोग देंगे तब भी लड़ेगा, नहीं सहयोग देंगे तब भी लड़ेगा। हमारे पास दो वकील हैं, एटीआरई दोनों लड़ेंगे। एटीआरई लड़ने से क्या नीचे के लोगों को भला नहीं होगा कि ऊपर वाले जो गुणांक वाले बेचारे हैं, जिनका सबसे नीचे कैटेगरी में आ रहा है, लोअर कैटेगरी में बेचारों का आ रहा है, क्या वो लोग जैसे नीचे की सीटें छोड़ दो, क्या उन लोगों का नहीं होगा? एटीआरई जीत लेंगे, पूरा 800 का होगा कि नहीं होगा? आज नहीं तो कल होगा। अब फिर सबसे बड़ी बात, ये तो जज साहब तय करेंगे ना। हवा बना दिया कि रामदयाल ये कर रहा है, वो कर रहा है। रामदयाल तो अभी तक नहीं किया था, अब समय चला गया। लेकिन ये है कि कल की सुनवाई हो जाए, इसके बाद रामदयाल अपनी लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि एक बात और बता देता हूं, कोई भी बाहरी सीट नहीं बची है। जुड़वाने का जो सिस्टम था वो सारा सिस्टम खत्म है। हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया, मैं सच्चाई ये कह रहा हूँ। कोई भी सीट नहीं बचेगी। जब 68 थर्ड काउंसलिंग के बाद आ गई हैं तो उसमें सीटें कहाँ से आ गई? कोई भी सीटें नहीं आई, पूरी वही सीटें सब जुड़ के पूरे 68 हो गया। अभी तो विभाग इतने उससे कह रहा है कि हम एक भी सीटें नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो विभाग ऐसा क्यों बोलता कि थर्ड काउंसलिंग में जुड़ गई थी, जुड़ के आ गई एससी भाइयों की, इसमें आ गई कि नहीं आ गई? तो अब सीटों का डाटा कहाँ मिला? बाकी अधिकारी लोग घुमाते हैं, बहुत फिराते हैं। कल मुझे लगा, कल जब मैं मीटिंग में गया था वहां पर ऐसे ऐसे घुमाया गया, पूरा दोष दिया गया। तो हम लोग अपनी एटीआरई बचाएंगे, लड़ेंगे लड़ाई, और दोनों वकीलों को लड़ना पड़ेगा, एटीआरई पे ही लड़ना पड़ेगा। बाकी जो होगा उसको देखा जाएगा। बस रामदयाल अब किसी के कहने पे नहीं पड़ेगा। रामदयाल को जितना जिसके कहने पे पड़ना था पड़ गया। भैया सभी को मैं हाथ जोड़ता हूँ, रामदयाल अब एटीआरई की लड़ाई लड़ेगा। उनका जो पैसा उनको फुल पेड़ कर देगा, एक मेरा वकील फुल पेड़ है। रमा दीदी जो कहेंगी वो होगा, बाकी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा वकीलों के नाम पे, क्योंकि खाता धारक उन्होंने साथ में थी, वो जैसे करेंगे वैसा होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग इधर उधर दूसरे को बांटने का काम करते हैं। तो बांटना सब चीजें छोड़ दीजिए। रामदयाल बहुत शांति प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उकसाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये नौकरी जिंदगी का सवाल है। किस तरह से इसको लेकर गए हैं उसको बचाना सबका ही कर्तव्य है। मैं किसी के घर की नौकरी नहीं छीन लूंगा, जिनको लगता हो। विवेक कुमार यादव लिख रहे हैं, रिविजिट का विरोध नहीं करेंगे वकील, क्योंकि हम भी हेल्प किए हैं। मैंने आज तक कहीं बोला? शुरुआत तो तुम ही लोगों ने किया है, जो आज बोल रहे हो किए है। शुरुआत किसने किया? क्यों आज शाम को सब कुछ तय होकर के चालू कर दिए? कितने सीटें आ रही हैं, अगर नहीं होगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैंने तो आज तक लाइव में आके नहीं बोला कि ये लोग रिविजिट करके लेके जा रहे हैं, हमारे लोगों का सब बर्बाद हो जाएगा।
मुझे भी बोलना चाहिए था ना, आखिर तुम ही लोग होशियार हो, ना देते चंदा, किसने बोला था? अगर यही करना था तो एक अपना अलग से वकील कर लेना चाहिए था, बाकी अपनी मानसिकताएं अपने पास रखिए। रमा दीदी का भी हाई गुणांक है, मैं जानता हूं दीदी का गुणांक हाई है, लेकिन कम से कम जो लोग हमेशा रामदयाल की बुराई करते हों, रामदयाल के लिए एक भी परसेंट न सोचते हों, आज वो बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हाँ हमारा वकील है। अरे मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम्हारा वकील है, वो सबका वकील है, जितने लोगों ने सहयोग किया है सबका वकील है। और सिर्फ हमने वहां चैलेंज किया एटीआरई, मेरा सब तो कर्तव्य तो सभी का बनता है कि एटीआरई पे बहस होना चाहिए। चलिए सभी भाइयों को जय भीम, यहीं पर ख़त्म करते हैं और कल कोर्ट आइए, कोर्ट में जो होगी बहस होगी देखा जाएगा। धन्यवाद।